कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ते खूप विशेष पाहुणे आपल्याकडे आज आहे. सर्वात पहिले मी आपल्याला इंट्रोड्यूस करतो श्री संजीवजी शर्मा. ते इफ्को कंपनीमधून आले आहेत आणि इफ्को कंपनी खूपच मोठी खतांची कंपनी आहे, आपल्याला सांगण्याची गरज नाही आहे मित्रांनो. तर संजीवजी शर्माला इंट्रोड्यूस करण्या अगोदर मी एक शेअर आपल्याला सांगू इच्छितो. अकेले ही चले छे संजीवजी, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया. तो संजीव जी शर्मा हमारे साथ में हैं इफ्को कंपनी से, और हम संजीव जी से जुड़ने से पहले ये खास गुड न्यूज़ देना चाहेंगे कि संजीव जी शर्मा जी के साथ में बातचीत करने के बाद इतनी पॉजिटिविटी हमें इनमें दिखी है. फार्मर्स के साथ काम करने के लिए, एफपीओ के साथ काम करने के लिए, हमने तो इनको एक फर्टिलाइजर खरीदने के लिए फोन किया था, लेकिन इनका कमिटमेंट देखकर आज इस स्टेज पर बात आ गई है 2 महीने में कि हम अब कॉटन गुरु और इफ्को एक अलायंस करने जा रहे हैं, हम एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं बहुत शॉर्टली, और उस एमओयू के अंतर्गत कॉटन गुरु की सर्विसेज इफ्को के फार्मर्स को मिलेंगी, और इफ्को की जो बहुत विशिष्ट सर्विसेज फार्मर्स के लिए हैं वो कॉटन गुरु से जुड़े हुए एफपीओ और फार्मर्स को मिलेंगी. तो संजीव जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस व्यासपीठ पर, इस प्लेटफॉर्म पर. और इफ्को की कौन सी सर्विसेज फार्मर्स के बहुत काम आ सकती है, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए. बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी. वार्म वेलकम टू फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इफ्को साइड. आई हैव टू अदर कोलीग आउट देयर. आप लोग मेरे और दो मित्र इफ्को किसान की टीम से आपके साथ हैं, और मैं सभी का और कॉटन गुरु का स्पेशली मनीष जी का धन्यवाद करता हूँ. ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दिया है अपने फार्मर्स के साथ, और जैसा कि मनीष जी ने बताया, इफ्को किसान एक इफ्को की सब्सिडरी है जो हम कॉटन गुरु के साथ अब आगे कुछ एरियाज में काम करना चाहते हैं. तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा इफ्को के बारे में. इफ्को एक फेडरेशन है, एक संस्था है, कोऑपरेटिव संस्था है जो दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक आती है, और हम लोग हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के लीडिंग प्लेयर हैं फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर में. फर्टिलाइजर के अलावा हम लोग काफी एरियाज में डाइवर्सिफाई फार्मर के हितों हेतु कई सारी कंपनियों के थ्रू, कई सारे अलायंसेस के थ्रू किसान के हित में, क्षेत्रकार के हित में काफी सर्विसेज देते हैं, और ये सब सर्विसेज एडिशनल फर्टिलाइजर और अदर प्रमोटर्स के, ग्रोथ प्रमोटर्स इनपुट्स के अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें एडवाइजरीज बहुत ज्यादा हैं. और मेजर फोकस इफ्को किसान एक सब्सिडरी इफ्को ने फ्लोट किया आज से 13 साल पहले. इफ्को किसान का उद्देश्य मोस्टली फार्मर्स को ई एक्सटेंशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मोबाइल और आईसीटी की टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से कैसे हम लो कॉस्ट, रादर आइडिया ये है कि बिना कॉस्ट के हम फार्मर तक पहुंच सकें, और उनको जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो चाहिए वो इस तरीके से दी जाए. तो ध्येय ये है कि अगर सूचना और ज्ञान अगर वक्त रहते आपको मिलता है तो उसकी वो आप क्रियान्वित कर सकते हैं, आप उसको एक्शन में ला सकते हैं अपने अपनी खेती और अपने जितने भी प्रयत्न आप कर रहे हैं कृषि और कृषि के अलाइड एरियाज में, उसमें आप साथ ला सकते हैं और उसका बेनिफिट आप मैक्सिमम ले सकते हैं. सो दो तरीके की आस्पेक्ट है. कई लोग एडवाइजरीज चल रही हैं, काफी एडवाइजरीज गवर्नमेंट की तरफ से भी आती हैं, हमारी तरफ से भी आती हैं, लेकिन ये फार्मर तक एक्शनेबल कैसे पहुंचे, उसको ग्रैनुअल कैसे पहुंचे, एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा हम उसके खेत तक कैसे जान सकें कि किस वैरायटी का, अगर कॉटन भी है डिफरेंट वैरायटी में लगा हुआ है, सो डिफरेंट वैरायटी के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो जाती हैं. तो ध्येय ये है कि कितना ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन जो आपका रिलेवेंट है, आप तक, जो आप तक ही संबंधित इंफॉर्मेशन है, आप तक वो पहुंचे, और वो इस तरीके से पहुंचे, इतना टाइम रहते पहुंचे जिसमें आपको क्रिया करने का टाइम हो अगले 2 दिन में, और आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए कर सकें. इसके अलावा एक तो ये हमारी सारी सेवाएं लोकल वॉइस में होती हैं. आप सब लोग को महाराष्ट्र में हमारे तकरीबन अभी 70,000 फार्मर को ये सेवा जा रही है करंटली, जिनको जा रही है, और इस क्यूमुलेटिव अगर हम 13 साल में देखें तो महाराष्ट्र के तकरीबन 2.5 लाख फार्मर को हम ये सेवाएं पहुंचा चुके हैं. इन सेवाओं के अलावा हम लोग
एग्रो आईसीटी जो आपने काफी आजकल एगटेक एक वर्ड सुन रहे होंगे, बहुत सारी तकनीक, बहुत सारी आईसीटी से रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, सैटेलाइट रिलेटेड टेक्निक्स और टूल्स आ रहे हैं, जिनके थ्रू वो मोस्टली टूल्स ऐसे हैं कि जो फार्मर की अभी समझ से बाहर हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जितनी भी आईसीटी डेवलपमेंट इस स्पेस में हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, वो इस तरीके से हो फार्मर उसमें साथ एक भागीदार बनकर चल सके। तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा जितने भी एफपीओ कोटन गुरु के मेंबर फार्मर्स हैं, हम लोग साथ में कुछ जो यंग फार्मर्स साथ कर रहे हैं और जितने भी जो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें एक डिजिटल डाटा बेस्ड एग्रीकल्चर की तरफ हमारा समाज बढ़े। और हमारा फोकस फार फ्लंग और मार्जिनलाइज फार्मर के ऊपर है। कई फार्मर अपने प्रयास हेतु और उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद एक अच्छी स्थिति में आ जाए हैं, जो बहुत सारी संस्थाओं से, प्राइवेट या अदर चीजों से ये इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। बट हमारा फोकस उस फार्मर के साथ है जो हिंदुस्तान का बेसिक ब्रेड एंड बटर अर्नर है, जो कि मार्जिनलाइज फार्मर है। तो हम उन फार्मर्स के साथ, और ये बहुत खुशी की बात है, कोटन गुरु ने जिस दिशा में काम किया है, हम लोग काफी प्रभावित हुए हैं मनीष जी के और कोटन गुरु के पास हिस्ट्री और काम और अप्रोच से। तो ये एक बहुत अच्छा रिश्ता हम लोगों का आगे बनने जा रहा है, जो उसका सिंगल पॉइंट उद्देश्य ये रहेगा कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन आपकी वाणी संदेश के द्वारा पहुंचे और आपकी कोई भी क्वेरी अगर उससे रिलेटेड है, एक हेल्पलाइन सर्विस के द्वारा आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इफको किसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसान कॉल सेंटर की सेवाएं पिछले 8 साल से इफको किसान ही दे रहा है। हमारी टीम तकरीबन 700 750 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की टीम है। ऑल ओवर कंट्री हम लोग काम कर रहे हैं और तकरीबन 1 करोड़ किसानों की सहायता हम अपनी कॉल सेंटर सर्विसेज से देते हैं। इसके अलावा जो ये वाणी संदेश आप लोगों को मिलता है, ये तकरीबन 40 लाख फार्मर को 17-18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो ये तो हुई इंफॉर्मेशन की बात। इसके अलावा हमारा कोशिश ये है कि जो एफपीओ के प्रति, क्योंकि तो एफपीओ ही एक ऐसा कैटलिस्ट है जो मैं देखता हूँ आने वाले 10 से 15 साल के बीच में, जैसे एक एमएसएमई सेक्टर प्रोडक्शन में या इंडस्ट्री में है, सिमिलरली एफपीओ वुड प्ले दैट रोल एंड विच वुड बी समथिंग अराउंड प्लेइंग इन कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ डबल डिजिट इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। तो सरकार का भी इस तरफ बहुत ध्यान है, संस्थाएं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें आ रही हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे साथ सरकारी संस्था भी इन्वॉल्व है और एनजीओज भी हैं और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स भी साथ में। तो इसका पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए फ्यूचर में हम लोग आपको इनपुट सप्लाई में भी, फैसिलिटेशन में भी सहायता देंगे। और उद्देश्य ये होगा जो मार्केट लेयर बीच में कमीशन जाता है, वो एक अल्टरनेट अर्निंग एफपीओ को भी मिले। तो हमारा प्रयास है एफपीओ के लिए एक एडिशनल अर्निंग का भी है और आप लोगों का अल्टीमेट एक बेटर क्वालिटेटिव, एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी की ग्रोथ जो आपकी रेस्पेक्टिव क्रॉप में मिले। जो सोयाबीन और कॉटन जो मेजर क्रॉप हम इस पर देख रहे हैं आप लोगों के साथ, तो उद्देश्य ये भी है कि अच्छी क्वालिटी और जो अच्छी क्वांटिटी आपको मिल रही है उसका बेटर प्राइस रियलाइजेशन भी आपको कैसे मिल सके। तो बहुत अच्छा है, सीसीआई ऑलरेडी आपके साथ हैं और वो बाय कर रहे हैं। इसके अलावा हम कैसे आपके प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन कर और हमारे सहयोग से, गूगल गुरु के सहयोग से एफपीओ खुद उसमें वैल्यू एडिशन में पार्टिसिपेट करें और वो जो बेटर रियलाइजेशन है उनका, बेटर इनकम आपकी आमदनी का साधन कैसे बेहतर बने, इस दिशा में हम लोगों का कुछ एक स्कीम हमने प्लान बनाया है और वो आने वाले समय में आपको समय समय पर हम लोग देते रहेंगे। हमारे कृषि वैज्ञानिक भी साथ रहेंगे, कॉटन गुरु की टीम और हमारी स्टेट स्पेसिफिक कृषि वैज्ञानिक आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे और जितनी भी सेवाएं और जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं हम लोग आप लोगों के साथ पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कुछ इम्पैक्ट लाने के लिए प्रयास करेंगे। और मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूंगा, मैं आप लोगों को अपने दो कोलीग से भी, अपने सहयोगी पार्टनर से भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मिस्टर भट्टाचार्य, सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे साथ हैं और टोनी, मिस्टर टोनी मलिक हमारे साथ हैं। तो ये लोगों के साथ आने वाले समय में, ये लोग अगले वेबिनार्स में भी और ये लोग टेक केयर किया करेंगे। तो मैं 1-1 मिनट अपने कुलीग्स को देना चाहूंगा, सो दे कैन एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस एंटायर दिस थिंग एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग माय लास्ट वर्ड्स हियर। अ बिग थैंक टू मनीष जी एंड वी आर टेकन लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज वर्क। जो काम कोटन गुरु ने आपके लिए किया है और इतने लंबे टाइम से कर रहे हैं, इसको भी पिछले 53 ईयर्स ओल्ड एक कंपनी है जो
कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए काम कर रही है, और तकरीबन 36,000 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इफको की मेंबर्स हैं। ये अकेली एक ऐसी संस्था है जो पिछले 53 साल से 20% डिविडेंड इन प्राइवेट अपनी मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या बात है, निरंतरता बहुत से दे रही है। बढ़िया। तो हमारा हमेशा ध्येय यही रहेगा कि किसान पहले प्रथम रहेगा, फार्मर फर्स्ट थ्योरी के साथ हम अपनी सेवाओं को ज्वाइन कर कर एक्सटेंड देना चाहते हैं, और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं और आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते खूब खूब धन्यवाद संजीव जी शर्मा, चीफ एग्रीबिजनेस सर्विसेस हैं। इफको किसान। हाँ जी टोनी जी या सिद्धार्थ जी कौन आ रहे हैं? यस सर, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू ये संजीव सर मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, मनीष सर मुझे इस वेबिनार में बुलाने के लिए, और एवं ये सर्वप्रथम सगड़े शेतकरी बंधुनो नमस्कार। मी सिद्धार्थ भट्टाचार्य आहे, और मुझे थोड़ी थोड़ी मराठी आती है, ज़्यादा नहीं आती है, थोड़े बहुत शब्द समझ में आते हैं, तो थोड़ी जितना भी मुझे मराठी आया था तो उतना बहुत मैंने जो है बोल दिया है। तो जैसा जी कि सर ने कहा, संजीव सर ने कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ब्रॉड जो है डिटेल दे दिया है, मैं कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग्स के साथ अपनी इनपुट्स रखना चाहूँगा, सारे किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कपास एक ऐसी फसल है जो कि किसानों के बहुत, खास करके महाराष्ट्र गुजरात जो कि सेंट्रल इंडिया में फार्मर्स हैं, उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल इमोशन से जुड़े होने के साथ ही साथ जिस तरह से एक बच्चे को बड़ा करते हैं, कपास की खेती भी हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के जो है फार्मर्स उसी तरह से उसको बड़ा बिल्कुल करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में यहाँ पे जाऊं कि इफको की हमारी कुछ ऐसी सर्विसेज जो आने वाले समय में हम आपके साथ जुड़ के हमारे सभी शेतकरी बंधुओं को जो है प्रदान करेंगे, इसमें आजकल जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि जैविक खेती की बात चल रही है, और जैविक जो खेती प्रणाली है उस पर कितना जो है सरकार भी योगदान दे रही है, कितना उसको प्रमोट कर रही है, और कपास एक ऐसी फसल है जिसमें अधिकतम जो है कृषि रसायन दिए जाते हैं। इसी को थोड़ा सा हमने हमने जब इन सारी चीजों को स्टडी किया, हमने ये पाया कि हमारे पास भी कुछ ऐसी जिसे हम जैविक खत, यदि मैं ये मतलब मराठी में बोलूं, बायोफर्टिलाइजर हैं, जैसे कि सागरिका नाम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जब फूल आते हैं, क्योंकि कपास में जब फूल आता है वो उसका सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है, सबसे सेंसिटिव स्टेज होता है, और जब जो है बच्चा अपने यौवन में रहता है, अपने टीनेजर में रहता है, सबसे सेंसिटिव होता है, उसी समय कपास में जब फूल आता है कपास सबसे सेंसिटिव होता है। तो उसके बेल बनने के लिए जो हमारी ये बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्ट है आने वाले समय में, जो कि ये सीवीड एक्सट्रैक्ट से है, और एवं इसमें कई एजेटोबैक्टर, माइसीलियम, राइजोबियम, कई ऐसे जैविक इनोकुलम है, बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं जो कि मित्र जीवाणु हैं, जो इसके ना कि फूल की जो है फसल को बढ़ाते हैं खास, और साथ ही इसका जो बेल साइज है, जो इसका बेल आता है, इसकी इसका धागा बनने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो मैं बड़े ही उत्साह के साथ आज ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय में जो है मनीष जी, जब हम जी आपके साथ एक जो है ये साझेदारी करेंगे, तो ये सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ मैं, क्योंकि अभी आजकल का समय जो है वो एकीकृत कीट प्रबंधन का है, जिसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, जी तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि हम 100% जैविक भी हो जाएं, कुछ ऐसी रासायनिक हैं जो है पादप जो है रसायन हैं, जो कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे जब आती है कोई फसल, आर्थिक नुकसान की तरफ जब किसान भाई देखता है उसकी फसल में कीट लगे हुए हैं, क्योंकि कपास ऐसे ही बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है कीट पतंग एवं सबका, उस समय कुछ हमें रसायनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इफको जो है अपनी ये जापानीज कंपनी के साथ इफको एमसी के कई ऐसे प्रोडक्ट्स से, कई ऐसे रसायन है, खास करके जो अमेरिकन बॉलवर्म की यदि मैं बात कहूं, जो एम और पीली सुंडी यानी पिंक बॉलवर्म, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, गुलाबी सुंडी, पीली सुंडी, जो एफपीओ से जुड़े हुए सभी किसान भाई उस पर बड़ा ही दिशाहीन होते हैं। उसमें से कुछ हमारे प्रोडक्ट जैसे हिमावारी हुआ, कैटाकू हुआ, यूकाटा हुआ, जिसमें ये प्रोफेनोफॉस प्लस ये साइपरमेथ्रिन रस चूसक कीट है, व्हाइट फ्लाई हुआ, पिंक बॉलवर्म हुआ, इनका भी उपचार हम जो है सभी किसान भाइयों को देंगे, और साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए उच्च उच्च माहिती बद्दल हेतु, मतलब हाई एंड मॉडर्न वैल्यू एडेड सर्विसेज हम जो है एडवाइजरी के माध्यम से
हम सभी किसान भाइयों को देख के आशा करते हैं आने वाले समय में काफी जो है लाभान्वित होगा, और जो हमारा ये पार्टनरशिप है हम एक नई दिशा की ओर बढ़ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर मुझे जो है मौका देने के लिए, और ये मनीष डागा सर मुझे ये इनवाइट करने के लिए, और शायद जो मैंने थोड़ी बहुत ज्ञान थी मेरे पास जो मैंने बात कही वो हमारे शेतकरी भाइयों के लिए लाभदायी होगी। थैंक यू सर। आपने जो कही सभी बात उनके लिए लाभ करने वाली ही थी। सिद्धार्थ जी और टोनी जी हैं हमारे साथ। जी टोनी इज देयर। ओके हेलो टोनी जी। सर आई थिंक सो टोनी सर नहीं है। मनीष सर टोनी जी नहीं है। ओके ओके आई थिंक ही वाज देयर समहाउ मे बी लॉस्ट एनीवे। तो मनीष जी मैं एक बात थोड़ा सा कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लग रही है कि देखिए इफको की उद्देश्य ये है कि फर्टिलाइजर के अलावा बहुत सारी ऐसी सेवाएं फार्मर को दी जाएं। तो इफको की तकरीबन 14-15 ऐसी सब्सिडरीज हैं, ऐसी संस्थाएं हैं साथ में जिसमें इफको मेजर स्टेक होल्डर है या उनकी 100% सब्सिडरी हैं, जो किसानों को मल्टी डायमेंशनल 360 डिग्री सेवा देने के लिए तत्पर हैं, जिसमें हमारी इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी भी है। सिमिलरली इफको किसान संचार जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड ग्राउंड हैंड होल्डिंग एग्रीगेशन ऑफ फार्मर्स और फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए भी काम कर रही है। इसमें एक हमारी कंपनी है इफको मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन। सो मित्सुबिशी केमिकल जो जापानीज कंपनी है उसके साथ पिछले 3 साल पहले ये कंपनी ये जेवी के तहत हम काम कर रहे हैं, एक नई कंपनी बनाई गई है। इसकी एक बेस्ट ये है सर, कोई भी इनपुट कंपनी, अभी हमारे किसान भाई भी सब इसको जानते हैं और स्टेक होल्डर जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमेशा एक कंपनी का एक प्राइस होता है एमआरपी एक केमिकल इनपुट का, और एक होता है मार्केट ऑपरेटेड प्राइस, एक डीलर कुछ देता है। तो हमारी एक पहली एक कैसी कंपनी आई है जिसका कोई भी एमओपी नहीं मिलेगा, ये एमआरपी लेवल पे ही मिलेगा, और इसमें जो कमीशन है बीच में मल्टी लेयर का ये काफी कम रखा गया है ताकि किसानों को ये सस्ता मिले। आइडिया ये है, और जेन्युइन जैपनीज टेक्नोलॉजी के साथ आपको अच्छा बेहतर ओरिजिनल कीटनाशक या हर्बिसाइड आपको मिले। तो इस तरीके के और कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जैसे सागरी का एक सीवीड ग्रोथ प्रमोटर अभी सिद्धार्थ जी ने बताया, तो कुछ इनोवेटिव चीजों के साथ हम काम कर रहे हैं। एक मैं आप सब लोगों को एक कॉन्फिडेंशियल है, ये चीजें न्यूज में आ ही चुकी हैं, इसको हमेशा प्रयासरत रहता है कुछ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में नया किया जाए। तो अभी ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है, हम लोग इसको एक नैनो फर्टिलाइजर्स की रेंज भी लेकर आ रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लेटेस्ट फर्टिलाइजर जो बनने जा रहे हैं, इसमें आप ये समझ लीजिए कि आपकी यूरिया की और डीएपी की रिक्वायरमेंट बजाय 50 केजी के बैग होने के बजाय एक 100-150 मिलीलीटर की शीशी से पूरी हो जाएगी। तो इसका कितना लॉजिस्टिक्स और कितना खर्चा, कितना एनवायरमेंट का प्रेशर भी इससे कम होगा। इसकी एफिकेसीज भी हम लोग अभी ऑल इंडिया लेवल पे ट्रायल किए हैं, उसमें गवर्नमेंट और आईसीआर के साथ भी ट्रायल्स चल रहे हैं कंप्लीट इंडिया में। तो तकरीबन 14,000 प्लॉट्स के ऊपर एंटायर कंट्री में ट्रायल किए हैं, उसके रिजल्ट्स भी तकरीबन 20-30% के बीच बेहतर आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें लगता है अपने अथक प्रयास और संजीव जी 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 मनीष जी बहुत सारी सेवाएं हैं को की, और हम एक करके सब लाएंगे, बिकॉज यही फंडामेंटल फायदा होने वाला है किसानों का कि जब दो बड़ी कंपनियां जुड़ती हैं तो लाभ मल्टीप्लाई होता है, और इफको जैसे बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने में गौतम गुरु को बहुत ही हर्ष और आनंद हो रहा है, और हम और कंटिन्यू आगे अवगत कराते रहेंगे किसानों को।